इंग्लिश लिटरेचर एम सी क्यूज फॉर पीपीएससी विच एज। लुस्टन का तलक जो है वो विक्टोरियन एज से था, जो कि 1837 से 1901 तक थी। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फ्रॉम, इसकी पैदाइश 1770 में हुई थी और 1850 में इसकी वफात हुई थी। 1770 से 1850 तक ये जिंदा रहा। हीरोज एंड हीरो वर्शिप वॉज रिटन बाय, ये जो वर्क है ये कार्लाइल जो है इसने लिखा था। उसके बाद है फेयर सीड टाइम हैड माई सोल इज फ्रॉम, ये वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड से लिया गया है, ये लाइन जो है ली गई है। उसके बाद है ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज रिटन बाई, ये तो हर एक को पता है ये किसने लिखा है, चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है ये वर्क। यूलिसियस जेम्स जॉयस ने लिखा है। उसके बाद एलिजाबेथ जो कैरेक्टर है जेन ऑस्टन के किस नावल में है, तो ये है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। टियर आई टियर ये पोएम है जो कि टेनिसन ने लिखी है, टेनिसन की पोएम है। तो उसके बाद है थॉट फॉक्स इज रिटन बाय, ये टेड हूज ने लिखी थी। उसके बाद है मेजर बारबरा इज रिटन बाय, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो है वो प्ले है। उसके बाद लिलीपुट इज अ कैरेक्टर फ्रॉम, ये गुलीवर्स ट्रेवल्स का एक कैरेक्टर है। उसके बाद फायर एंड आइस, ये जो पोइट्री का मजमूआ है ये लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। उसके बाद है स्विफ्ट बिलोंग टू, ये किस एज से जो है वो स्विफ्ट का तल्लुक है, ये अगस्टन एज से है, जो कि अर्ली 18th सेंचुरी जो है वो है, यानी कि 1700 वाली ये जो एज है। द नावल ऑफ लॉरेंस मैन बाय द गवर्नमेंट वॉज, इसका ये नावल था, ये काफ़ी इसमें जो है वो गंदी बातें इसने की थी। लेडी चैटरलेस, ये शैटरलेस लवर, बट गॉड्स एटर्नल लॉज आर काइंड एंड ब्रेक द हार्ट ऑफ स्टोन, इन विच पोएम डू दीज लाइन्स अपीयर, ये किस लाइन, ये लाइन्स जो हैं वो किस पोएम में हैं, तो ये ऑस्कर वाइल्ड की पोएम है बैलेट ऑफ रीडिंग गोल। उसके बाद है फॉर्टन ब्रास, फॉर्टन ब्रास आपको पता कि हेमलेट में एक कैरेक्टर था। हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये बहुत अहम एमसीक्यू है, इसका सही आंसर है डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है ये लिखा है ये वर्क। द ट्रेजिक फ्लॉ इज आल्सो कॉल्ड, हमार्शिया जो है उसे ट्रेजिक फ्लॉ भी कहा जाता है, ट्रेजिक फ्लॉ को हमार्शिया भी कहा जाता है। द विंटर्स टेल इज शेक्सपियर, शेक्सपियर का ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग कॉमेडी ट्रेजिडी ये ड्रामा की किस्में हैं। हु इज बिलीव टू बी सफरिंग फ्रॉम ईडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ईडिपस खुद जो है इसमें जो है वो इसका शिकार हमें दिखाई देता है। हुज कॉमेडीज आर कॉल्ड कॉमेडीज ऑफ मास्क, जो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो कॉमेडीज हैं वो कॉमेडीज ऑफ मास्क जो हैं वो कहलाती हैं। हु बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ एब्जर्ब, इसमें ऑस्कर वाइल्ड, इब्सन ये नहीं है बल्कि बेकेट जो है, इब्सन मॉडर्निस्ट है, ऑस्कर वाइल्ड जो है वो जमालियाती जो है वो हुसन उस का जो है, बेकेट जो है ये थिएटर ऑफ एब्जर्ब का है। विच इज कॉल्ड द विक्टोरियन एज, 19th सेंचुरी जो है 1837 से 1901 तक 19th सेंचुरी। अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस इज कॉल्ड ए सोनेट, ऐसी पोएम जो 14 लाइंस पर मुश्तमिल होती है, मैंने कल वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने सोनेट को डिफाइन किया है और सोनेट्स की जो तीन टाइप्स हैं, स्पेंसेरियन है, शेक्सपेरियन है और पेट्रार्कन सोनेट है, उसकी काइंड्स भी बताई। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। एंड गेम किसने लिखा है, बैकेट का प्ले है, एब्जर्ड प्ले है ये एक। माई सोल हैड बीन ए लॉन बेस्प्रिंकल्ड ओवर विद फ्लॉस एंड स्ट्रिंग शेड्स एंड बेफल्ड ड्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मेटाफर की एक एग्जाम्पल है। आयरन टाइम्स ऑफ डाउट्स डिस्प्यूट्स डिस्ट्रैक्शन एंड फियर, ये देखें डाउट्स डिस्प्यूट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये एक जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, डाउट्स डिस्प्यूट डिस्ट्रैक्शन, तो ये एलिटरेशन है। प्लेजेंट पेन, जब दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर पेश किया जाता है तो प्लेजेंट पेन,
ये ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। विच ऑफ द प्लेज इज नॉट रिटन बाय टी एस एलियट, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है ये इसने नहीं लिखा था। उसके बाद है विच ऑफ द नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टन, एडम बी मैंसफील्ड पार्ट, एम्मा भी लिखा था, मैंसफील्ड पार्ट भी लिखा था, और जो एडम बीड है ये जॉर्ज एलियट ने लिखा था, जेन ऑस्टन ने नहीं लिखा था। लेजुली इस तरह करके है नेम, ये एक पोएम है। माई फेयर लेडी इज अ सिनेमैटिक वर्जन ऑफ पिग्मेलियन। सुपरनेचुरलिज्म वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पोइट्री, ये किसकी पोइट्री का फीचर है सुपरनेचुरलिज्म, ये कॉलरिज की पोइट्री है। द फर्स्ट इज ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइंड, इट इज लाइन स्पोकन इन हाइपीरियन बाय हाइपीरियन खुद ही ये लाइन स्पोकन। द ईव ऑफ सेंट एग्नस इज रिटन बाय कीट्स, Byron's Lemon for Adonis, Adonis is modeled on, ये पहला वर्क है Byron's Lemon for Adonis, इस पर है। Hardy क्या है ये जो है वो ना तो मिस्टिक है ना मोरलिस्ट है और नन ऑफ दीज भी नहीं है, पेसिमिस्ट ज़रूर है। Who is one of the Lakebirds? Blake जो है ये नहीं आता इसमें लेक पॉइंट में, Coleridge आता है क्योंकि ये तीन लोग थे Coleridge, William Wordsworth और एक और था, ये तीनों जो है लेक डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे हुए थे, वहाँ इन्होंने जो है वो पोइट्री स्टार्ट की थी। MSD ये कोई नाम है बड़ा अजीब गरीब सा, ये एडिटर हैं प्रील्यूड के। उसके बाद अनडू दिस बटन इज़ अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स किंग लियर, ओर टू साइकी ये पोएम जो है कीट्स की है। उसके बाद आई एम नो प्रिंस हैमलेट, ये लाइन जो है एलियट की है, ये टी एस एलियट की है। थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ अ लाइन फ्रॉम यीट्स सेकेंड कमिंग, ये पोएम जो है उससे ली गई है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स इज फ्रॉम, ये किस फ्रॉस्ट की किस पोएम से है, ये मेंडिंग वॉल से ये लाइन ली गई है। द एज टेंडेड टू फेवर द टेस्ट एंड सर्च फॉर ट्रूथ इन आर्ट, ये जो है ये एज जो है रोमांटिक एज में ये चीज़ें थी। जेन ऑस्टन्स अदर राइटिंग, जेन ऑस्टन की जो दूसरी राइटिंग्स हैं उसमें सेंस सेंसिबिलिटी, एमा, पर्सुएशन ये तमाम है। टेक्स्ट लाइक वेटिंग फॉर गॉडो आर एजलेस, वट आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड, हुज वर्ड्स आर दीज, ये किसके अल्फाज हैं शेक्सपियर के हैं। द ओनली प्ले बाई शेक्सपियर विच कन्फर्म्स टू द क्लासिकल जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस, ठीक है, और एक और यूनिटी होती है उसमें तमाम यूनिटीज जो हैं वो है ट्वेल्थ नाइट, यूनिटी ऑफ प्लॉट टाइम प्लेस। याहूज अकॉर्डिंग टू गुलिवर्स वर यूरोपियंस, आर्म्स एंड द मैन इन नावल इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसके बाद है सुपरनेचुरलिज्म, ये फिर आ गया किस की पोइट्री का फीचर है कॉलरेज की पोइट्री का। स्वीट हेलन मेक मी एटर्नल या मेक मी इमोर्टल विद किस, हु हैज सेड दीज वर्ड्स, ये मार्लो ने कहे थे अपने प्ले डॉक्टर फॉस्टस ने, ये पूरा प्ले मैंने उसकी समरी जो है वो डिटेल समरी जो है उस पर वीडियो बनाई है वो देख सकते हैं आप। हु डिड राइट आर पब्लिश प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, वर्डवर्थ और कॉलरिज ने किया था, यहाँ पर सिर्फ वर्डवर्थ है कॉलरिज का नहीं जिक्र। द वर्ड रिनेसांस मीन, इसका मतलब है रीबर्थ। उसके बाद है ऑफ स्टडीज एंड एसेज रिटन बाय, ये फ्रांसिस बेकन ने जो है ये ऐसे जो है वो लिखा था। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये कॉमेडी प्ले है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। द सेकेंड शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर इज मच एडो अबाउट नथिंग, मनी इज ए टाई ऑफ ऑल टाइज, इट इज अ टाई विच टाइज एंड
यूनाइट्स एंड इट इज अ टाई विच टाइज एंड अनटाइज आल टाइज इज कोटेशन फ्रॉम, ये कोटेशन जो है फ्रांसिस बेकन के एक ऐसे से है लिया गया, कोटेशन ली गई जिसका नेम है ऑफ मनी। हेलेनिज्म ऑफ किड्स कनॉट्स हिज लव ऑफ ग्रीक कल्चर एंड आर्ट, द लाइन ब्यूटीज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी अकर इन विच ऑफ किड्स फॉलोइंग पोइम्स और टू द ग्रेशियन अर में ये लाइन्स जो हैं वो आती हैं। इन हिज पोइट्री टेनिसन इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, क्वीन मैप इज वन ऑफ द फर्स्ट टू ग्रेट पोएम्स रिटन बाय शेले, हाइपेरियन इज एन एपिक पोएम, रोमेंटिसिज्म एक्सप्रेस ए रेस्टलेसनेस ऑफ सोल, नॉर्थएंगर एबे एमा सेंस एंड सेंसिबिलिटी आर नॉवल्स रिटन बाय जॉर्ज इलियट लगाया है ये, आप कमेंट करके बता दें, मैं मज़ीद कन्फर्म करूँगा। शेले इज़ रिमेंबर्ड एज ए डैश पोएट, लिरिक पोएट। लिरिक की मैं डेफिनेशन जो है एक वीडियो में मैंने लेक्चर में की है, वो आप वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पर। कीट्स इज प्रोमिनेंटली ए मैन ऑफ सेंसेशंस एज ए मॉरलिस्ट, जे एस मिल जॉन स्टुअर्ट मिल डेवलप्स द डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, और यहाँ पर जो है ये आज के एमसीक्यूज जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। आई होप के आज के जो ये जो एमसीक्यूज मैंने तकरीबन आपको 70 से 80 के करीब जो हैं वो करवाए हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और इंशाल्लाह मैं रोज़ाना की बेस पर इसी तरीके से जो है इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज जो है जो बहुत ही अहम हैं और पेपर में आने के जिनके चांसेस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।